subscribe my channel and click on bell icon. You will get notified when I will upload any type of new video related to UPVC and aluminium. Good morning, good afternoon and good evening. जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। और बहुत दिन के बाद मैं एक न्यू वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ और ये टॉपिक है UPVC वेल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, उसका यूज़ क्या है। और इसके लिए बहुत सारे न्यू फैब्रिकेटर के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है कि एक्चुअली वेल्डिंग ब्लॉक है क्या, उसका यूज़ क्या है, हम क्यों इतना पैसा लगाएं वेल्डिंग ब्लॉक के ऊपर। और बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं जो इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट UPVC वेल्डिंग ब्लॉक। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा। प्लीज़ उसको एंड तक देखिए, तभी इसका जो पीछे जो कंसेप्ट है वो आपको पूरी समझ में आएगा। और आपके सामने ये देख रहे हैं वेल्डिंग ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो है एल्यूमिनियम के ही बनते हैं। और जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, सारे कंपनी के लिए अलग अलग वेल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और सारे प्रूफ कंपनी का जितने सीरीज है, जिसका 2 ट्रैक है, 3 ट्रैक है और 2.5 ट्रैक है, कैसमेंट सास है, फ्रेम है, उन सब के लिए अलग अलग टाइप का डाई बनता है। दैट मीन्स ये कोई मशीन में इंक्लूडेड पार्ट नहीं होता, एक एक्सटर्नल पार्ट होता है जो कि मशीन से अलावा ये प्रोफाइल के ऊपर डिपेंडेंसी होता है। इसीलिए इसका कोई भी मशीन सप्लायर मशीन के साथ ये वेल्डिंग ब्लॉक नहीं देते हैं। इसलिए ऑलवेज रिकमेंड करते हैं आप पहले प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप वेल्डिंग ब्लॉक के बारे में सोचिए, क्योंकि ये फुल्ली डिपेंडेंस ऑन द प्रोफाइल, प्रोफाइल डायमेंशन, थिकनेस, हाइट, विड्थ, वट एवर भी। तो आपके सामने ये देखिए, ये जो वेल्डिंग ब्लॉक है, मैं आपको एक 3 ट्रैक है जो कि एक प्रोफाइल है, उसका 3 ट्रैक प्रोफाइल का वेल्डिंग ब्लॉक है मेरे सामने। ऐसे सारे वेल्डिंग ब्लॉक तो अलग अलग मैं नहीं दिखा सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर जस्ट 3 ट्रैक का वेल्डिंग ब्लॉक मैं दिखा रहा हूँ ये क्या होता है। ये देखिए, ये जैसे वेल्डिंग ब्लॉक हो गया, इसमें क्या करते हैं, जो प्रोफाइल है उसके डिजाइन के हिसाब से डिजाइन होता है। ये देखिए, ये दिख रहा है ना कि अलग अलग टाइप का डिजाइन से इसमें ब्लॉक्स बना हुआ है, और जैसे खांचा बना हुआ है, जैसे प्रोफाइल डालोगे ना वो उसी पोजीशन में फिक्स हो जाएगा, हिलेगा नहीं मेनली। ये देखिए, मैंने जैसे अभी प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, अभी प्रोफाइल उसके अंदर डालूंगा, ये देखिए एकदम फिक्स हो जाता है। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि हम क्या बिना ब्लॉक की वेल्डिंग कर सकते हैं। आंसर तो डेफिनेटली येस, कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम उसमें ये आएगा कि जो वेल्डिंग है वो अप एंड डाउन हो जाएगा। अप एंड डाउन क्यों होगा, क्योंकि जब न्यूमेटिक प्रेशर है, मान लो एक वेल्डिंग करते हो तो दो प्रोफाइल जो कट पीस है उसको ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के टाइम उसमें दोनों को जब मशीन में सेट करते हो, दोनों का प्रेशर दो साइड में क्लैंप होता है, ठीक है, एक हेड में दो साइड में दो प्रोफाइल को क्लैंपिंग करते हैं। आगे मैं उस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूंगा, लाइव वीडियो, जो कि मशीन के ऊपर कैसे काम होता है। तो दोनों साइड में जब न्यूमेटिक प्रेशर आएगा, जब क्लैंपिंग सिस्टम, दैट मीन दैट प्रेशर अराउंड 4 to 6 bar का प्रेशर आएगा। मान लीजिए कि अगर 4 to 6 bar का कोई प्रेशर होता है तो अराउंड 300 kilo का, मान लो कोई भी वेट जैसे कि वो प्रोफाइल के ऊपर रखना जैसा है, वो क्लैंपिंग सिस्टम ऐसा ही है। मान लो 300 किलो का कोई भी सामान आप एक UPVC के प्रोफाइल के ऊपर रखोगे, वो प्रोफाइल दबेगा। अगर प्रोफाइल दब जाएगा, UPVC में इलेक्ट्रिसिटी का नेचर है, प्रोफाइल दबेगा, डैट मीन्स वेल्डिंग में अप डाउन आएगा। ये क्या करता है, जो एल्यूमिनियम का जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक क्या करता है, वो ब्लॉक उस लेवल को मेंटेन करके रखता है, उस लेवल को डाउन नहीं होने देता है। मान लो दोनों ब्लॉक जो होगा, दोनों ब्लॉक का हाइट बिल्कुल सेम होगा, और न्यूमेटिक जो प्रेशर है उसमें कंट्रोल नहीं होता है, आप उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि इतना प्रेशर में एग्जैक्ट आएगा। कभी आपको प्रेशर, मान लो क्योंकि इसमें ऑलवेज मेंशन होता है 4 to 6 bar, इसीलिए उसमें कंसिस्टेंटली एक प्रेशर उसमें कभी नहीं मेंशन हो सकता है। इसीलिए उसमें क्या होता है, प्रेशर में अगर वेरिएशन आएगा तो उसके हिसाब से फोर्स भी बढ़ेगा। कभी आपके प्रोफाइल के ऊपर 300 किलो का फोर्स आ रहा है, कभी आपकी प्रोफाइल के ऊपर 250 किलो भी आ सकता है, और एक साइड 250, एक साइड 300, ऐसा अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ जाएगा, दैट मीन्स आपकी वेल्डिंग तो हो जाएगा बट वेल्डिंग अप डाउन हो जाएगा। अगर वेल्डिंग अप डाउन हो जाएगा फिर क्लीनिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, इसका सोल्यूशन है कि आपको एल्यूमिनियम का ब्लॉक की जो सपोर्ट है, जो डाई है, उसको यूज़ कीजिए, और आपकी वेल्डिंग जो है वो स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा, अप डाउन भी नहीं होगा, और वेल्डिंग का क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट आएगा।
और उसको यूज नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं एरर रहता है सर। अब मान लीजिए उसमें अप एंड डाउन तो रहेगा, एक्यूरेसी वेल्डिंग उसमें नहीं हो पाएगा। और मेनली अगर आपने कोई कलर प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपने ब्लॉक नहीं यूज किया, क्योंकि कलर प्रोफाइल ज़्यादातर सीमलेस वेल्डिंग होता है, और सीमलेस वेल्डिंग अगर मान लो अप डाउन हो गया तो उसको सीमलेस वेल्डिंग करोगे कैसे? और जो कस्टमर है उसको क्या आप सेटिस्फाई कर पाओगे बिना सीमलेस वेल्डिंग का? और प्रोफाइल अगर अप डाउन दिखेगा उसके लिए सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा। और जो UPVC है वो जाना जाता है कि उसका आउटलुक के लिए, अगर आउटलुक जो वेल्डिंग है, अगर आउटलुक कोई घर में अपने विंडो जाकर लगा दिया, उसमें विंडो का कॉर्नर जो अप डाउन दिख रहा है, एक लुक वाइज अच्छा नहीं आ रहा है, तो फिर वो कस्टमर क्यों आपको इतना ज़्यादा पैसा पेमेंट करेगा कि जी वो तो एलुमिनियम में और कुछ लगा सकता है ना। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, आपने वेल्डिंग मशीन जब वेल्डिंग कर रहे हो तब आपको ब्लॉक तो ज़रूर लगाना है, और ये ब्लॉक एलुमिनियम के ही होते हैं, क्योंकि जो 300 किलो का प्रेशर ऊपर से आता है, 300 और 400 कुछ भी, तो ये एलुमिनियम को नहीं दबा सकता है। इसलिए एलुमिनियम दोनों साइड जो प्रोफाइल वेल्डिंग होगा वो बिल्कुल पैरेलल होगा, कभी एक एक mm का भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए आप जब भी आप वेल्डिंग करते हो वेल्डिंग ब्लॉक का साथ में ही वेल्डिंग कीजिए। और मैं आपको इस वीडियो में आगे और दिखा दूंगा कंप्लीट मशीन के साथ। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग ड्यूरेशन हो रहा है, बट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। और मैं जो वेल्डिंग ब्लॉक को लेकर जो कॉन्सेप्ट है मैं पूरी क्लियर करना ही चाहता हूँ, इसलिए आप वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए। देखिए ये जो चार्ट दिख रहा है स्क्रीन पे ना, यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी से वेल्डिंग का टाइम है 20-30 सेकेंड तक वेल्डिंग का टाइम है, जॉइंट प्रेशर यहाँ पे 0.4 मीन्स 4 बार से लेके अपने 5 बार तक है, वेल्डिंग प्रेशर अपने 3-4 है, और क्लैंपिंग प्रेशर जो है वो 4-6 है, और जो वेल्डिंग का जो टेम्परेचर है वो 240 से लेके 270 तक है। जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बताया था कि ये जो वेल्डिंग का जो प्रेशर है वो कभी कांस्टेंट नहीं होता है, ऑलवेज वेरी, जैसे कि लिखा हुआ है कि 2-4 है और 4-6 है, इसीलिए मैं बोला था कि वेल्डिंग प्रेशर कभी कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए इसका वेरी होता है। और आप इस चार्ट में देखिए कि वेल्डिंग जो जॉइंट होता है उसका टॉलरेंस कितना होना चाहिए, जैसे कि 2000 mm है उसमें टॉलरेंस उसका मेंशन है। अगर मान लो आपने कोई जीरो से आपकी जो प्रोफाइल का जो साइज़ है जो वेल्डिंग है 300 से 900 mm है उसका 2 पॉइंट है, और मान लो 900 से 1500 है वो 2.5 mm का टॉलरेंस है, और 1500 से लेकर 2000 तक है उसका 3 mm तक टॉलरेंस अलाउ है। अगर आप वेल्डिंग ब्लॉक के साथ नहीं करेंगे और टॉलरेंस आपकी कंसिस्टेंस नहीं आएंगे। और ये एक तीसरा चार्ट है, इसमें डिफरेंस दिखा रहा है कि वेल्डिंग ब्लॉक को यूज़ करके कैसे वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग ब्लॉक यूज़ नहीं करने से कैसे होता है। और लेफ्ट हैंड साइड में है देखिए ये जो प्रोफाइल है, ये बिना वेल्डिंग ब्लॉक यूज किए हुए प्रोफाइल है, देखिए इसका जो कॉर्नर वेल्डिंग है वो कैसा है। और ये जो राइट हैंड साइड में ये कि आपकी प्रोफाइल को वेल्डिंग ब्लॉक के साथ वेल्डिंग किया गया, और ये कुछ सैंपल्स है, आप देखिए ये वेल्डिंग ब्लॉक के साथ जो वेल्डिंग किया गया सैंपल है इसका क्वालिटी कैसा है, उसका वेल्डिंग का क्वालिटी देखिए, तो ये डिफरेंस होता है, ये कस्टमर को समझ में आता है, उसके लिए आपको पैसा देता है। और आप वेल्डिंग ब्लॉक को जरूर यूज़ कीजिए करके ये 100% रिकमेंडेड होता है। और ये देखिए आपको फाइनली मैं मशीन के साथ ही डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, ये 2-हेड वेल्डिंग सीमलेस वेल्डिंग मशीन है, इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे। और देखिए पहले हमने क्या किया कि अपना जो राइट हैंड साइड का है हमने ब्लॉक को लेकर फिक्स कर दिया, जो भी उसका सिस्टम है उसको मशीन के सिस्टम के हिसाब से हमने उसको फिक्स कर दिया, देन लेफ्ट साइड में हमने फिक्स कर दिया। और फिक्स करने के बाद अभी क्या करेंगे, उनके बीच में अभी एक स्टॉपर आएगा। स्टॉपर का काम क्या है कि दोनों प्रोफाइल है उनके बीच का जो डिफरेंस का गैप है वो गैप को मेंटेन करके रखता है, उसका बिल्कुल थिकनेस जो है वो जो आपकी हीटर प्लेट है हीटर प्लेट का थिकनेस के साथ समान है। हमने क्या कर दिया इसमें जॉइंट करने के लिए उसमें वेल्डिंग के लिए प्रोफाइल लगा दिए और इसमें क्लैंप किया, और इसी क्लैंप का मैंने बात कर रहा था जब क्लैंपिंग होगा वो 4-6 बार प्रेशर में क्लैंप होगा, और ये क्लैंप का जो है उसका प्रेशर कभी कांस्टेंट नहीं रहता है इसलिए वेरी होता है। अभी क्या है इसमें वेल्डिंग ब्लॉक्स लगा हुआ है, अभी क्लैंप क्या होगा जितना प्रेशर में भी क्लैंप आए वो अभी वेल्डिंग ब्लॉक के ऊपर अभी सारे प्रेशर है, अभी वो प्रोफाइल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं जा रहा है, इसलिए वेल्डिंग में आपको पैरेलल आएगा, कभी वेल्डिंग में चेंज नहीं होगा। और इस मशीन में भी देख सकते हैं अपने इसमें 5-6 बार का प्रेशर है हर एक मशीन में। तो आपको अगर वेल्डिंग सबसे क्रिटिकल पॉइंट है UPVC फैब्रिकेशन में, अगर वेल्डिंग आपको सही करना है तो उसकी पूरी जो प्रोसेस है
जो पैरामीटर्स है उसको फॉलो कीजिए। ऐसे जुगाड़ में काम करने के लिए तो हर एक काम हो सकता है, बट जुगाड़ में काम करके आप क्या कर सकते हैं? एक कस्टमर को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। ये तो हम लोग सोचते हैं ऐसे कि आपको अगर अच्छे से काम करना है तो आपको पूरी जो पैरामीटर्स को फॉलो करना है। और मेनली ये है कि यहाँ पे आपने एक जो बिज़नेस है ये आपको 30-40 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप इसमें, कहीं कहीं 20 मिनिमम तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट रहता है। और 20 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप अगर लाइफ टाइम के लिए फ्यूचर के लिए एक 30-30 थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट रहेगा, 30-35 थाउजेंड का ब्लॉक्स एंड डाइस के लिए, तो मेरे को नहीं लगता ये ज़्यादा है। और मेरे को ये भी नहीं लगता है कि आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए 30 थाउजेंड का एक इन्वेस्टमेंट करके आपको कस्टमर का सेटिस्फाई होता है। क्वालिटी में अगर कोई कंप्रोमाइज ना हो तो फिर आपको करना चाहिए। और मेनली ये जो वेल्डिंग ब्लॉक है कुछ कंपनियां वो बनाते हैं, और मैंने कुछ कंपनी का नंबर वो नीचे दे दूंगा। आप किसी को अगर वेल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होगा या बीडिंग का ब्लॉक चाहिए होगा उनको कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उन्होंने थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, होप यू गाइज एन्जॉय इट। एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है इस वीडियो में बनाने के लिए और आपके पास इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने के लिए। और आप लोग अगर थोड़ी सी इस वीडियो को और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो जाएगा कि मैं आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाऊं और आपकी बिजनेस को ग्रोथ करने में और नॉलेज आपको शेयर करने में मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊं। और होप आप लोग मेरे को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। For any inquiry related to UPVC machines and UPVC spares and service, please contact us through email, through call and through WhatsApp. We will be get touch with you as soon as possible. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel.